Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about G.B. Shaw, whose full name was George Bernard Shaw and his lifespan was 1856 to 1950. It means he dies at the age of 94. He was Irish playwright, critic, polemist and politician. He's great dramatist after Shakespeare and he got Nobel Prize in Literature in 1925. He born on 1856 in Dublin, Ireland और उनके father थे जॉर्ज कार शो और mother थी उनकी लुसेंजा गर्ली शो और वो 1876 में इंग्लैंड में मूव हो गए थे और जॉर्ज बर्नार्ड शो का जन्म हुआ था एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली में और वो ओनली सन थे अमंग थ्री इट मीन्स कि उनसे बड़ी दो उनके सिस्टर्स थी ही रिजेक्टेड स्कूल आफ्टर 15 इयर्स ऑफ वेस्टफुल स्कूल इयर्स उन्होंने कहा कि उन्होंने स्कूल में कुछ भी लर्न नहीं किया और फिर वो एक 16 इयर्स की एज में क्लर्क की जॉब करने लगे और 1876 में वो लंदन में मूव हो गए थे एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर ही गोट एक्सपोजर टू म्यूजिक इन लंडन ब्रिटिश म्यूजियम ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन रीडिंग एंड राइटिंग और जब वो ब्रिटिश म्यूजियम में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे उस टाइम पे वो फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रहे थे और उनकी मदर ने उनको बहुत सपोर्ट किया एंड ही रोट नॉवल्स बट कुडंट फाइंड पब्लिशर कोई भी पब्लिशर नहीं मिला उन्हें उनके नॉवल्स को पब्लिश करने के लिए And soon he turned his attention to politics and he joined Fabian Society in 1884. और फेबियन सोसाइटी एक सोशलिस्ट ग्रुप था जिसका गोल था इंग्लैंड को मॉडर्न नेशन में ट्रांसफॉर्म करना थ्रू अ मोर वाइब्रेंट पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल बेस्ड और जीबी शो फिर एक जॉब करने लगे एज द न्यूज़पेपर रिव्यू म्यूजिक रिव्यू आर्ट रिव्यू थिएटर रिव्यू द सैटरडे रिव्यू तो इन सब पर वो अपने रिव्यू देते थे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है उनके बारे में ऑफ म्यूजिक ही न्यू अ लिटल आर्ट एंड ड्रामा ही न्यू नथिंग बट ही हैड अ नेचुरली कीन इंटेलेक्ट व्हाट एन आयरिश कॉल्ड अ गिफ्ट ऑफ गैब तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गिफ्ट ऑफ गैब किसको कहा गया है तो ये जीबी शो को कहा गया है एंड ही रोट 60 प्लेज और जीबी शो नॉर्वे के प्ले राइट हेनरिक इब्सन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे एंड ही इंट्रोड्यूस्ड रियलिज्म इन इंग्लिश ड्रामा अंडर हिज इन्फ्लुएंस एंड ही रोट प्रॉब्लम प्लेज ऑल्सो इन 1925 ही गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ प्लेज रिटन बाय हिम उन्होंने प्ले प्लेजेंट एंड प्ले अनप्लेजेंट लिखे जो कि फिल्ड थे विद विट एंड सोशल क्रिटिसिज्म विच स्टीम्ड फ्रॉम हिज फेबियन सोसाइटी लीनिंग इट वॉज टू रेज अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम पहले हम उनके प्ले प्लेजेंट के बारे में देखते हैं इनमें फोर प्लेज थे फर्स्ट देखते हैं हम आर्म्स एंड द मैन ये एक ह्यूमरस प्लेज था एंड इट शोज द फिटैलिटी ऑफ वॉर इस प्ले से उनको काफ़ी फाइनेंशियल सक्सेस मिली और इसका थीम था लव एंड वॉर इसमें एक हीरोइन है जिसका नेम है रैना और हीरो है ब्लांट्स्की जो कि एक सोल्जर है जिसको कि रैना चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहती है नेक्स्ट प्ले है उनका कैंडिडा ये भी एक कॉमेडी प्ले है इसमें जो कैंडिडा है वो जेम्स मॉरेल की वाइफ है हु वॉन्ट्स टू विन कैनेडा एंड यूथफुल पॉइंट ऑफ व्यू गैंट मार्च ब्लैंक ट्राइज टू इम्प्रेस कैंडिडा नेक्स्ट प्ले है यू नेवर कैन टेल देन द मैन ऑफ डेस्टिनी नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन प्ले अनप्लीजेंट इसमें थ्री प्लेज हैं फर्स्ट है विडोज हाउस जो कि 1892 में पब्लिश हुआ एंड इट वॉज फर्स्ट प्ले स्टार्ट एट द रॉयल्टी तो इसकी जो स्टोरी है इसमें जब यंग डॉक्टर को पता चलता है कि उसके जो फ्यूचर फादर इन लॉ हैं उनके जो वेल्थ है जो उन्होंने वेल्थ अर्न की है वो पुअर्स को स्लम हाउसेस रेंट पर देकर इकट्ठे की है तो वो डॉरी लेने से डर्टी डॉरी लेने से मना कर देता है नेक्स्ट प्ले है द फिलैंडरर इसके टू एंडिंग्स हैं और ये एक स्टायर प्ले है ऑल्दो इट वॉज रिटन इन 1893 बट इट स्टेज्ड इन 1902 और इसकी फर्स्ट एंडिंग में डिवोर्स दिखाया गया है एंड सेकंड वाज रिजल्टिंग इन मैरिज एंड इन द प्ले द यंग लेडी विडो ग्रेस स्टैनफील्ड हु इज इन लव विद लियोनार्ड चार्टर्स हु इज फिलैंडरर फिलैंडरर मीन्स वुमेनाइजर थर्ड प्ले है मिसेस वैरन्स प्रोफेशन इसमें जो मिसेस वैरन है वो है उसका नेम है मिसेस किट्टी वैरन
जो कि अब मैडम है और ब्रॉथल ऑनर है. द प्ले इज अबाउट अ फॉर्मर प्रोस्टिट्यूट नाउ अ मैडम ब्रॉथल प्रोप्रियटर एंड हु अटेम्प्ट टू कम टू टर्म विद हिज डिसअपीयरिंग डॉटर. It is a problem play and it showing that prostitution was not caused by moral failure but by economic necessity. In the play, the madam of brothels justify her career to her daughter. Next, हम उनके कुछ notable works देखते हैं. First, Pygmalion. इसका नेम रखा गया है एक ग्रीक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर. एंड इन द स्टोरी पिग्मेलियन फॉल इन लव विद वन ऑफ द स्कल्पचर विच कम टू लाइफ देयर आफ्टर. इसमें एक कैरेक्टर है मिस्टर हिगिन जो कि अपर क्लास प्रोफेसर है फोनेटिक का, और एलिजा डोलिटल जो कि गर्ल है, ग्रफ कुकनी लेडी है, मतलब कि इलिटरेट है वो. And Mr. Higgins teaches her and makes her presentable. And it is also a music comedy drama and musical adaptation taken by My Fair Lady. Next है Mrs. Warren's Profession, Arms and the Man, San Juan, जो कि 1923 में पब्लिश हुआ. And it is about 15th century French military figure Joan of Arc. Next work है Heartbreak House, Caesar and Cleopatra. और ये एक फिक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन जूलियस सीजर एंड क्लियोपेट्रा. इट इज़ मिक्स टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. तो दोनों का ये एक मिक्स टाइटल है. और ये एक हिस्ट्री प्ले है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा से मिलता है. जूलियस सीजर जो कि अब एक एजिंग मैन है और जो क्लियोपेट्रा है वो टीनेज है. एंड दे मेट बाय चांस वन नाइट अंडर द इजिप्टियन मून. एंड दिस इज टर्मोइल इन इजिप्ट. सिविल वॉर हैज टॉर्न द नेशन इन टू एज क्लियोपेट्रा एंड हर यंग ब्रदर वाइट फॉर द थ्रोन. नेक्स्ट वर्क है मैन एंड सुपरमैन जो कि फोर एक्ट ड्रामा है और ये एक स्ट्राइडिकल कॉमेडी है. तो इसमें जो मिसेस वाइटफील्ड है वो मरने से पहले अपने विल में इंडिकेट करके जाती है अपनी डॉटर को वो टू मैन के अंडर उनकी केयर में छोड़कर जाती है, जो कि है रोबर्ट क्रैम्स्टन एंड जॉन टैनर. रोबर्ट क्रैम्स्टन एक वल्नरेबल ओल्ड मैन है हु डिस्ट्रस्ट जॉन टैनर बिकॉज ही इज एलोक्वेंट यूथ विद रेवोल्यूशनरी आइडियाज. ही डिस्पाइट टैनर्स रेवोल्यूशनरी आइडिया एंड नेचर and persuade him to marry her. Some short plays written by him, The Man of Destiny, The Admirable Vaishwal, Passion, Poison and Petrification, The Glimpse of Reality, The Dark Lady of the Sonnets, The Village Wing. अब हम देखते हैं उनके प्रॉब्लम प्लेस. मिसेस वारेंस प्रोफेशन, प्रॉब्लम ऑफ फॉलन एंड प्रोस्टिट्यूशन, आर्म एंड द मैन, फर्टिलिटी ऑफ वार एंड द फॉल्स ग्लैमर्स ऑफ सोल्जरशिप, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, फॉल्स कंसेप्ट ऑफ हीरो एंड हीरो वर्शिप, मैन एंड सुपरमैन, स्टार ऑन सुपरमैन एंड रोमांटिक लव, एप्पल कार्ट, हॉलोनेस ऑफ डेमोक्रेसी, गेटिंग मैरिड, फैमिली प्रॉब्लम्स, द डॉक्टर्स डिलेमा, सेल्यूसनेस ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, एंड रॉकल्स एंड द लॉ इन रिलीजियस पर्सिक्यूशन, पिग्मेलियन, फोनेटिक एंड प्रोनंसिएशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द जीबी शो. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. हैव अ नाइस डे.